शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हेलो, जय को फोन दो। आप कौन? वर्षा, VARSHA, समझ में आया? जय को बोलो मैं घर पे आ रही हूँ। जया जी वहां नहीं है, कुछ खास काम। मैं कुछ कर सकती हूँ आपके लिए? तुम जो कर सकती थी वो तो तुमने कर दिखाया। मेरी और जया की दोस्ती में दरार डलवा दी। मुझे आपकी दोस्ती या दुश्मनी से क्या लेना देना वर्षा जी, कुछ और काम हो तो बताइए। जी हाँ, बहुत जरूरी काम है। मुझे एक डॉक्टर की जरूरत है, मिसेस डॉक्टर राजन। मैं जानती हूँ तुम किरण नहीं अनुराधा हो। जया कहाँ है? जी वो ग्रीन हाउस में। प्लीज जया जी को मत बताइएगा, मुझ पे दया कीजिए। वर्षा जी प्लीज उनसे कुछ मत कहिएगा। वर्षा जी मैं बर्बाद हो जाऊंगी। वर्षा जी Ah!
Oh my God! जल्दी करो, चलो। पुलिस यहां कैसे? जया, जया, जया क्या हुआ? डॉक्टर साहब, क्या हुआ जया को? इन अस्थमा का अटैक हुआ है, अभी ठीक है, नाउ शी इज बेटर। जया, वर्षा को? वर्षा का खून हो गया। क्या? वर्षा का खून? ग्रीन हाउस में। ग्रीन हाउस में? मिस्टर रवि, ग्रीन हाउस कहां पर है? घर के पिछवाड़े है। आप आइए मेरे साथ। जी। जया, तुम ठीक तो हो ना? हाँ रवि। डॉक्टर साहब, आप इनका ख्याल रखिए, मैं भी आया। Excuse me. सेठिया, पुलिस इंक्वायरी के बाद वर्षा के दाह संस्कार का इंतजाम कर देना। मैं जैसे हॉस्पिटल में मिलकर आता हूं। अच्छा। रवि, कुछ समझ में नहीं आता कि वर्षा के साथ ये क्यों और कैसे हो गया। मैं उससे माफी भी नहीं मांग सकी। धीरज रखो जया,
वर्षा का दुख हम सबको है। वर्षा को मैंने इतना बुरा भला कहा था, बहुत पछता रही हूं मैं। काश वर्षा मुझे एक बार माफी मांगने का मौका दे देती। जया, जया होनी को कौन डाल सकता है, अपने आप को संभालो जया। रवि, बहुत रात हो गई है, बच्चे भी अकेले हैं, अब तुम घर जाओ। अपना ख्याल रखना। गंगाराम, तुम? बेब साहब, हम बहुत डरते डरते आपके पास आए हैं, आप हमको माफ कर दीजिए। बेब साहब, बेब साहब, हम आपकी कसम खाकर कहते हैं, आप हमारी माँ जैसी है, बहन जैसी है, बिटिया जैसी है। वो गंदी फोटो हमने नहीं निकाली थी, हमको तो कैमरा चलाना भी नहीं आता बेब साहब। तो फिर तुम्हारे कमरे में वो तस्वीरें कैसे आई? हमारे भाग फूटे थे बेब साहब, हमने अपनी आंखों से किरण मेन साहब को मुन्ने बाबा को अपना दूध पिलाते हुए देखा है। क्या किरण मुन्ना को अपना दूध पिलाती थी? वो भी ठीक उसी तरह जैसे कोई सगी बा अपने बच्चे को दूध पिलाती है। तभी तो मुन्ना हमारा दूध नहीं पीता था। हाँ मेम साहब, उसने हमको बहुत डांटा, हमको मारा भी उसने मेम साहब, और हमसे ये कहा कि अगर तुमने एक लफ्ज भी किसी से कहा ना तो हम हमारी कहानी सुनाकर तुम्हारी कहानी को छुपला देंगे। ठीक है गंगाराम, मैं ठीक होकर घर चली जाऊं, तुम घर आ जाना। तो भीम साहब, आपने आपको माफ कर दिया ना? हाँ गंगाराम। शुक्रिया भीम साहब, शुक्रिया। वर्षा का चेहरा मैं भुला नहीं सकता किरण। मैं समझती हूँ सर, दुखों के आने का दिन तय नहीं होता, पर सर अब ये समझिए कि सारे दुखों में मैं आपके साथ हूँ। थैंक यू किरण, बहुत सर्दी लग रही है, एक ड्रिंक बना दो। जी सर। थैंक यू। तुम भी भीग गई हो, जाकर कपड़े बदल लो। जी सर।
अरे किरण, क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं सर, मुझे अपने पति की याद आ रही है। ऊपर वाले की मर्जी के आगे किसका जोर चल सकता है? आप ठीक कहते हैं सर। आप मुझे इस ड्रेस में देखकर हैरान हो रहे हैं सर। हाँ, इसलिए कि मैंने तुम्हें पहले कभी इस लिबास में नहीं देखा। जी, ये ड्रेस मेरे पति ने हमारी शादी की पहली सालगिरह के 4 दिन पहले लाके दी थी, लेकिन मेरी बदकिस्मती कि 2 दिन पहले ही उनका स्वर्गवास हो गया। बस उन्हीं की याद में मैंने ये ड्रेस पहन ली। अरे नहीं नहीं, धीरे रखो किरण। कैसे धीरे रखो सर, और आपको बताओ भी कैसे? ऐसी क्या बात है सर, आपको बताते हुए बहुत झिझक हो रही है। देखो किरण, डरो नहीं, बोलो क्या बात है। सर, आपकी सूरत मेरे पति से इतनी मिलती है कि ऐसा लगता है जैसे वो मेरे सामने जिंदा मौजूद है। लेकिन ये तो एक इत्तफाक है, सच्चाई तो नहीं। हाँ सर, आप ठीक कहते हैं। लाइए मैं आपके लिए एक ड्रिंक बना देती हूँ। ये लीजिए। थैंक यू। वर्षा जी की मौत, जया जी को दमे का दौरा और मेरे स्वर्गवासी पति की याद, दिल बहुत घबरा रहा है सर। अगर आप बुरा ना माने तो एक ड्रिंक मैं भी पी लूं, शायद इसी से दिल संभल जाए। श्योर श्योर, व्हाई नॉट, हेल्प योरसेल्फ। चीयर्स। चीयर्स। रवि, आज तो खुशी से मर जाने को जी चाहता है। आई लव यू रवि, आई लव यू। आई लव यू, आई लव यू टू। मेरी जिंदगी में सिर्फ एक औरत है और वो तुम हो। सच रवि, मेरे होते हुए किसी और की जरूरत भी क्या है। पापा 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 पापा। साहिबा साहिबा।